चलिए, हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट वाला पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, दैट इज अल्काइन। नेक्स्ट पार्ट हाइड्रोकार्बन का है, दिस इज व्हाट अल्काइन। ठीक है, अल्काइन्स में अब वैसे तो काफी सारे रिएक्शन जिसकी हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, तो अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, तो एक इसकी सबसे पहली वाली रिएक्शन कौन सी, कोलबिज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ पढ़ा हुआ है अपन ने, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। तो क्या लेते हैं अपन इसमें, विसिनल डाई कार्बोक्सैलिक एसिड अनसैचुरेटेड, इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट एक्वा सोल्यूशन लेकर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो एनोड पर क्या हो जाता है, अल्काइन प्लस CO2, और कैथोड पर KOH और हाइड्रोजन बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी चीज है, कैल्शियम कार्बाइड या मैग्नीशियम कार्बाइड लिए हमने, ये क्या होता है, दिस इज ये अल्काइनाइड टाइप के कार्बाइड्स होते हैं, तो इनका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेंगी, अल्काइन्स बनती हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड क्या हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे यदि मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है कि इसका दैट इज ऑफ प्रोपाइन, साथ में इट इज MgOH होल्ट वाइज। समझ आ गई बात, ये तो ये एसिटाइलिन का कार्बाइड था एंड दिस वॉज कार्बाइड ऑफ दैट अपना प्रोपाइन, तो उससे फॉर्मेशन हो जाता है कि इसका एसिटाइलिन का एंड प्रोपाइन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली रिएक्शन कौन सी है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लेकर हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में रखकर क्या करते हैं अपन, वहां पर इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्राइक करवाएंगे, तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है कि इसका दैट इज ऑफ एसिटाइलिन का। हालांकि यहाँ पर दूसरे काफी सारे हाइड्रोकार्बन भी मिलते हैं, इस वजह से ये रिएक्शन अब प्रैक्टिकली यूज नहीं होती है ना, बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मेजर एसिटाइलिन मानी जाती है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट दैट, बर्थेलॉट सिंथेसिस, है ना, इस रिएक्शन को बर्थेलॉट सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला रिएक्शन जो है कौन सा, दिस इज हेलोफॉर्म का डीहेलोजिनेशन, है ना, तो इट इज क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, इनका जब सिल्वर पाउडर से अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीहेलोजिनेशन होकर AgX निकल जाएगा, फॉर्मेशन हो जाता है कि इसका दैट इज ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, तो इट इज डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म, है ना, दिस इज व्हाट द नेम ऑफ रिएक्शन, है ना, तो हेलोफॉर्म के डीहेलोजिनेशन से भी फॉर्मेशन हो गया किसका, यहाँ पर दैट इज ऑफ एसिटाइलिन। क्लियर है, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है ये कौन सी है, तो हम बोलेंगे ये टेट्राहेलाइड्स का डीहेलोजिनेशन, है ना, डीहेलोजिनेटिंग एजेंट अपन ने पढ़े ही थे, जिंक इन मीथेनॉल होता है, या फिर क्या होता है दैट, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, है ना, इट इज जिंक इन मीथेनॉल और इट इज व्हाट दैट, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, टेट्राहेलाइड हमको लेना पड़ेगा क्योंकि क्या करने थे, दो पाई बॉन्ड्स बनवाने थे ना, अल्कीन में एक पाई बॉन्ड बनाना था, तो क्या लिया था हमने, दैट वॉज डायहेलाइड। जब हमको अल्काइन बनवाना है तो क्या लेंगे हम, दैट इज टेट्राहेलाइड। ठीक है, तो टेट्राहेलाइड्स का डीहेलोजिनेशन विद जिंक इन मीथेनॉल और इट इज सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है कि इसका दैट इज ऑफ एसिटाइलिन, दैट इज ऑफ अल्काइन। क्लियर हो गई बात ये, बट ये रिएक्शन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं होती अल्काइन सिंथेसिस के लिए। इसकी वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे इसकी वजह ये रहेगी कि जो टेट्राहेलाइड्स होते हैं ये नेचर में मिलने वाले कंपाउंड्स नहीं होते, वो टेट्राहेलाइड्स खुद ही किससे बनाए जाते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्काइन के ऊपर ब्रोमीन का या हेलोजन के एडिशन से। समझ आ रही बात ये ना, टेट्राहेलाइड्स जो हैं ये नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स नहीं है, इनको खुद को ही कैसे बनवाया जाता है, इनको खुद को ही अल्काइन पर हेलोजन एडिशन से बनवाया जाता है। समझ आ गई बात ये, तो इस वजह से क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे इस वजह से ये रिएक्शन जो होती है ये अल्काइन्स को बनाने के लिए प्रैक्टिकली यूजफुल रिएक्शन नहीं मानी जाती। आई बात समझ में, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो होती है लेकिन इसकी अदरवाइज प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है, अल्काइन सिंथेसिस में तो नहीं बट क्या हो जाएगा, अदरवाइज ही यूजफुल होती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन। तो ध्यान से समझ के इसको हमको नोट भी करना है कि कौन सी चीज होती है, कि जब कभी हमको क्या करना हो कि जैसे किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के लिंकेजेस प्रेजेंट हैं, वहां पर क्या भी प्रेजेंट था, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और इसके साथ ही साथ दूसरे कोई से फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है।
समझ आ रही बात है ना, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट है और इसके साथ कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो हमने बोला कि हम एक ऐसा केमिकल डाल रहे हैं जो क्या करता है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ भी रिएक्शन करता है, और किसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है, वो सी डबल बॉन्ड सी के साथ भी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। समझ आ रही बात है, मतलब वो जो रिएजेंट हमने डाला है उसकी रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप के साथ भी और किसके साथ भी, दैट इज विद सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी। आ रहे समझ में? बट हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो क्या था कि वो रिएजेंट फंक्शनल ग्रुप पर तो अटैक करे पर वो सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी पर अटैक ना करे। समझ आ रही बात है? तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो रिएजेंट होता है वो उस कंपाउंड में डालने के पहले सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी को हमको हाइड करना पड़ता है। समझ आ गई बात है? क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको हाइड करते हैं। और हाइड करने का तरीका क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे उनकी रिएक्शन अपन करवा देंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो सी डबल बॉन्ड सी पर ब्रोमीन की रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, डायब्रोमाइड, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी पर ब्रोमीन की रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, दैट इज टेट्राब्रोमाइड। समझ आ गई बात है? ऐसा करने से क्या हो गया, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, उस रिएजेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वो रिएजेंट जो है वो कहाँ ही रिएक्शन कर पाएगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पर, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी को तो हम छुपा चुके थे। समझ आ गई बात ये? अब हम कौन सी चीज करते हैं, वो रिएजेंट डाला हमने, उस रिएजेंट ने उस फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन कर ली, हमारा काम बन गया। लेकिन हमको चाहिए तो क्या था कि वो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप की जगह क्या हो जाए, वो रिएजेंट आ जाए और सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी बना रह जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हेलोजन को हमको जोड़ते भी आता था और हेलोजन को हमको हटाते भी आता है, दैट इज बाय डीहेलोजिनेशन। ठीक है, तो वो रिएजेंट डालकर जब हमारा काम हो जाएगा, उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी का क्या करवाएंगे हम, रीजनरेशन करवाएंगे बाय मिक्सिंग व्हाट दैट, जिंक इन मीथेनॉल और सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। समझ आ गई बात ये ना, जिंक इन मीथेनॉल या सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, ये डालकर हम क्या कर लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी को रीजनरेट करवा लेते हैं। समझ आ गई बात ये? ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल होता है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप प्रोटेक्शन, है ना, या ग्रुप मास्किंग। दिस फंडामेंटल इज कॉल्ड व्हाट दैट, ग्रुप प्रोटेक्शन और ग्रुप मास्किंग। समझ आ गई बात ये? तो सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी पर हेलोजन को जोड़ना और काम निकल जाने के बाद इनको हटाकर सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी को रीजनरेट करवा लेना, दिस फंडामेंटल इज व्हाट, ग्रुप प्रोटेक्शन और ग्रुप मास्किंग। तो सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी का ग्रुप प्रोटेक्शन या मास्किंग इस रिएक्शन की हेल्प से किया जाता है। आ गया समझ में अच्छे से? अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले रिएक्शन जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाते हैं हम। ठीक है, अब छोटे अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो हमने टर्मिनल अल्काइन लिया। टर्मिनल अल्काइन में ये जो हाइड्रोजन होता है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन कैसा होता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर, है ना। टर्मिनल अल्काइन का ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, दिस इज व्हाट, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो हम क्या करेंगे, इसके रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, दैट इज विद सोडियम मेटल। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन का हमने एसिडिक हाइड्रोजन जो है, इसके रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाई, तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन एसिडिक था तो ये हटकर क्या बन जाता है यहाँ पर, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइन। आया समझ में, है ना। टर्मिनल अल्काइन्स में दिस टर्मिनल हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, इस टर्मिनल हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर लिया किससे, दैट इज विद सोडियम सॉल्ट बनवा लिया। अब इस सॉल्ट में क्या है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स वॉट, इट इज कार्ब एनायन। समझ आ गई बात ये? अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, दैट इज विद अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या किया था हमने, टर्मिनल अल्काइन पर सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा के टर्मिनल अल्काइन का सॉल्ट बनवाया था। टर्मिनल अल्काइन के सॉल्ट में कौन सी वाली चीज थी, कार्बन पर निगेटिव चार्ज था, मतलब ये क्या था, दिस वॉज कार्ब एनायन। समझ आ गई बात ये? अब ये जो कार्बेनायन होता है, इस कार्बेनायन के ऊपर हम डालेंगे किसको, दैट इज अल्काइल हैलाइड।
ये अल्काइल हैलाइड इसेंशियली 1 डिग्री होना चाहिए, है ना, अदरवाइज क्या हो जाता है, इस पर इलिमिनेशन होकर अल्कीन बन जाती है। ये अगले वाले चैप्टर में आने वाला है ना लॉजिक। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव है, ये अल्काइल हैलाइड जिसमें आर के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करके यहां से किसको बाहर निकलवा देता है, एक्स को बाहर निकलवा देगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। समझ आ गई बात ये, कि यहां से एक्स को नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलवा देता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम बोलेंगे दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये वाली रिएक्शन हम काफी सारी बार यूज कर चुके हैं। तो कौन सी चीज हो गई, ये जो कार्बन आयन है ये अल्काइल हैलाइड पर अटैक करके क्या करवा देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये जो एन ए है इसकी जगह पर आर लग गया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अल्काइन में हमने कार्बन का नंबर बढ़वा लिया। क्वेश्चंस के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, ये अल्काइल हैलाइड जो है इसका आर शुड बी 1 डिग्री, तभी ये वाली रिएक्शन सक्सेसफुल हो पाएगी। 2 डिग्री या 3 डिग्री के केस में क्या हो जाता है, दैट इज इलिमिनेशन। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है ये भी अपनी पड़ी हुई है, ये कौन सी, दैट इज डिहाइड्रोहलोजेनेशन। तो जो हमने अल्कीन बनाई थी तब हमने क्या करवाया था, एक पाई बॉन्ड बनवाया था, अल्काइन बनानी है तो क्या बनेंगे, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। समझ आ रही बात ये, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाया, लेकिन यहाँ पर हमने 2 रिएक्शंस लिखे हैं, ठीक ना। जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यहाँ पर 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो यदि हमको क्या बनाना होता है, टर्मिनल अल्काइन बनानी हो, तो टर्मिनल अल्काइन बनाते समय हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट वाला डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, ठीक है, ये हम करवा लेते हैं किसके साथ, दैट इज विद अल्कोहलिक KOH। समझ आ गई बात ये, है ना। हमको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से जब अल्काइन बनानी है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, डायहैलोजन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या करना है हमको, 2 पाई बॉन्ड लाने, मतलब हमको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन 2 स्टेप्स में करना है। समझ आ रही बात ये, तो हम क्या बोलते हैं, जब हमको क्या बनाना हो, टर्मिनल अल्काइन बनानी हो, ठीक है, जब हमको क्या बनाना होता है तो वी से टर्मिनल अल्काइन, तो हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का, ठीक है, ये हम करवाते हैं किसके साथ, दैट इज विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब इसके बाद अगली वाली स्टेप स्लो होने वाली थी, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है ना, एक बार आ गया तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के एक बार आ जाने से है ना कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसके एक बार आ जाने से यहाँ पर ये हेलोजन का जो लोन पेयर होता है ये सी डबल बॉन्ड सी के साथ रेजोनेंस में आ जाता है, ठीक है। और इसके सी डबल बॉन्ड सी के साथ रेजोनेंस में आ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, अब कार्बन हेलोजन बॉन्ड पार्शियल डबल, मतलब उसका टूटना उतना आसान नहीं होता। तो हम बोलेंगे जो सेकेंड स्टेप होती है वो कैसी होती है, दैट इज रिलेटिवली स्लो। समझ आ रही बात ये, तो हम बोलेंगे हमारे पास टाइम होता है कि हम क्या करें, यहाँ पर सेकेंड स्टेप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के टाइम पर NaNH2 को बाहर से डाल पाए, ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइन्स बनाते समय ना एसिटाइलीन प्रोपाइन या कोई सा भी टर्मिनल अल्काइन, ये बनाते समय फर्स्ट स्टेप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाया जाता है अल्कोहलिक KOH के साथ, और सेकेंड वाला करवाया जाता है किसके साथ, दैट इज विद NaNH2। समझ आ गई बात ये, मैकेनिज्म और बाकी सारी डिटेल्स हमको पता है अच्छे से, ठीक है। और जब हमको क्या करना है, इंटरनल अल्काइन बनानी है, अभी रीजन समझा रहा हूँ ना दोनों का एक साथ, जब हमको इंटरनल अल्काइन बनानी है तो इंटरनल अल्काइन बनाते समय क्या बोलेंगे हम, दोनों स्टेप ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हम किसके साथ करवाते हैं, दैट इज विद अल्कोहलिक KOH। समझ आ गई बात ये, जब हमको इंटरनल अल्काइन बनानी थी तो इंटरनल अल्काइन बनाते समय क्या बोला है हमने, दोनों स्टेप्स ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हम किसकी हेल्प से ही करवा रहे हैं, दैट इज विद अल्कोहलिक KOH। आए ना समझ में। तो टर्मिनल अल्काइन बनाते समय क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप विद अल्कोहलिक KOH एंड सेकेंड स्टेप विद NaNH2, ठीक है। और जब हमको क्या करवाना है, इंटरनल अल्काइन बनानी है, तब बोथ द स्टेप्स वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ वॉट, सो वी आर सेइंग दैट इज अल्कोहलिक KOH। आया समझ में, है ना। अब ऐसा क्यों, ये हम समझें, तो हम क्या बोलते हैं कि अल्काइन्स जो होते हैं इनके लिए क्या होता है, NaNH2 और KOH ये आइसोमराइजिंग एजेंट्स होते हैं। समझ आ रही बात ये,
ये डिहाइड्रो हैलुसिनेटिंग एजेंट्स तो थे ही, बट साथ ही साथ में क्या है, ये अल्काइन्स के लिए आइसोमराइजिंग एजेंट्स भी होते हैं। आए ना समझ में, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, है ना, KOH एंड NaNH2 ये क्या होते हैं, डिहाइड्रो हैलुसिनेटिंग एजेंट्स तो होते ही हैं, बट साथ ही साथ ही क्या भी रहेंगे, अल्काइन्स के लिए आइसोमराइजिंग एजेंट्स भी होते हैं। ठीक है, NaNH2 क्या करता है, तो हम बोलेंगे जो इंटरनल अल्काइन है ना, इसको भी लिखना है साथ में आपको, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो यही हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज इंटरनल अल्काइन्स में क्या था, NaNH2 जो है ये क्या करेगा, इंटरनल अल्काइन को बदल देता है इनटू टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, NaNH2 इंटरनल अल्काइन को बदल देता है टर्मिनल अल्काइन में। ठीक है, और वैसे ही KOH जो होता है ये क्या करेगा, टर्मिनल अल्काइन को बदल देता है इंटरनल अल्काइन में। समझ आ गई बात, ये है ना, क्या बोला अपन ने, NaNH2 ये इंटरनल अल्काइन को बदलेगा टर्मिनल अल्काइन में, मतलब ये इंटरनल अल्काइन का आइसोमराइजेशन कर देता है किसमें, टर्मिनल अल्काइन में कर देता है। और वैसे ही KOH जो होता है ये क्या करता है, तो हम बोलेंगे टर्मिनल अल्काइन को आइसोमराइज कर देगा इंटरनल अल्काइन में। आए ना समझ में, तो अब इसको यहां अप्लाई कर लो तो अपने आप समझ आ जाएगा कि यदि आपको क्या बनाना था, टर्मिनल अल्काइन बनानी थी, तो यदि आप पूरी प्रोसेस में क्या यूज कर लेते, KOH यूज कर लेते, तो क्या होता, जो अल्काइन आपको फाइनली मिलती वो कौन सी मिलती, इंटरनल ही मिलती, है ना। जब आपको टर्मिनल बनानी है तो क्या बोला आपने, यदि आप पूरी प्रोसेस में सिर्फ KOH ही यूज करते हैं, तो क्या होता, जो टर्मिनल अल्काइन बनती वो आइसोमराइज होकर किसमें बदल जाती, इंटरनल अल्काइन में बदल जाती। समझ आ गई बात ये। और वैसे ही कौन सी चीज थी कि जब आपको क्या करवाना था, इंटरनल अल्काइन बनानी थी, तो यदि आप NaNH2 यूज कर लेते हैं, तो क्या मिल जाता आपको, टर्मिनल अल्काइन मिल जाती। समझ आ गई बात ये। तो इसलिए हमको जहां जो प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से कॉम्बिनेशन लिए जा रहे हैं। समझ आ गई बात ये। अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि हम ऐसा कर लेते कि पहले स्टेप में NaNH2 और दूसरे वाले स्टेप में अल्कोहलिक KOH कर सकते थे, है ना, लेकिन हम कौन सी चीज बोलेंगे कि प्रोसेसेस जो होती हैं नॉर्मली इनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखी जाती है। ठीक है, तो जो NaNH2 होता है ये क्या होता है, अल्कोहलिक KOH से ज्यादा महंगा रिएजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पूरी प्रोसेस में हम NaNH2 क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम थोड़ी कॉस्ट सेव कर पा रहे हैं, क्या करके, कि फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH यूज कर लिया जो रिलेटिवली चीप है। समझ आ गई बात ये। उस सेकंड स्टेप में NaNH2 यूज किया, क्योंकि यहाँ पर KOH यूज करते तो फिर क्या होता है, डिजायरेबल प्रोडक्ट ही नहीं मिलता। ठीक है, और यहाँ हमने क्या बोला, वही कॉस्ट वाइज, कि अल्कोहलिक KOH से पूरा प्रोसेस हमको करवाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम NaNH2 यूज करते तो आइसोमराइजेशन होता फर्स्ट स्टेप में कर सकते थे, बट फर्स्ट स्टेप में काय को करें हम, जब क्या हो रहा है, लो कॉस्ट में हमारा काम हो रहा है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं यहाँ पर, थ्रू आउट NaNH2 यूज किया जा सकता है यदि हमारी जेब परमिट करे तो, और यहाँ फर्स्ट स्टेप में यूज हम कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, है ना। तो इस वजह से क्या बोला हमने, फॉर सिंथेसिस ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स, फर्स्ट स्टेप इज विथ अल्कोहलिक KOH एंड सेकेंड इज विथ NaNH2, एंड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ इंटरनल अल्काइन्स व्हाट वी डू, हम बोलेंगे थ्रू आउट अल्कोहलिक KOH वी यूज। आया समझ में बराबरी, है ना। अब इसके बाद अगली चीज जो अपन बोलेंगे ना, अब लास्ट वाली जो मेथड है इसके प्रिपरेशन की, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे हमने क्या लिया, दिस इज विसिनल डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना, क्या लिया अपने, दिस इज अल्डिहाइड और कीटोन, सी डबल बॉन्डो एंड सी डबल बॉन्डो, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, विथ हाइड्रोजीन, है ना। ये रिएक्शन ऐसा पड़ा हुआ है अपने, याद आ रहा है क्या, है ना, फर्स्ट वाले स्टेप की बात कर रहे हैं फिर। ठीक है, तो विसिनल डाइकार्बोनाइल पर लिया अपन ने किसको, हाइड्रोजीन को। ये रिएक्शन कहाँ पड़ा था अपन ने, दैट इज वुल्फ किशनर रिडक्शन, ध्यान है ना। तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहां से ओ, और यहां से क्या निकल जाता है, दिस इज H2, तो H2O निकल जाएगा, यहाँ बन गया सी डबल बॉन्ड एन NH2, ऐसा कैसे, यहाँ हो जाएगा सी डबल बॉन्ड एन एंड NH2। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, विसिनल डाइकार्बोनाइल की रिएक्शन करवाई हमने किससे, दैट इज विथ हाइड्रोजीन, तो दोनों ही सी डबल बॉन्ड ऊपर क्या बन जाता है, सी डबल बॉन्ड एन NH2, हियर ऑल्सो द सेम सी डबल बॉन्ड एन एंड NH2। क्लियर हो गई बात ये। अब आगे का स्टेप समझना, क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन, मैकेनिज्म समझा रहा हूं ना मैं वर्बली, क्या किया अपन ने, अभी जो हाइड्रोजोन बना है यहां पर, इसको हम हीट करते हैं किसके साथ, दैट इज विथ HGO,
ठीक है, हाइड्रोजन जो बना यहाँ पर, इसका हीटिंग हम करवा रहे हैं किसके साथ, दैट इज विथ HGO। समझ आई बात ये? HGO को जो हम हीट करते हैं तो क्या बनता है इससे, HG प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या होता है, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल ऑक्साइड होता है ना। HGO क्या है, तो हमने बोला है थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल ऑक्साइड है, तो क्या हो जाएगा, गर्म करने पर ही टूटता है, HG प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है यहां से क्या करेगी, इधर से दो हाइड्रोजन्स को नेसेंट मतलब एटम फॉर्म में निकाल लेती है ना। इधर से भी H2 निकलेगा, इधर से भी H2 इसके साथ, तो इसके टोटल क्या हो जाएंगे, रिएक्शन में बैलेंसिंग के हिसाब से देखें हम तो दो HGO यूज होंगे, तो एक O यहाँ से H2 को और दूसरा O यहाँ से H2 को निकाल देता है, क्या बन जाता है यहाँ पर, 2H2O, 2HGO के टूटने से क्या बन गया यहाँ पर, 2HG। समझ आई बात ये? अब यहाँ से दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन हटा तो क्या बना यहाँ पर, नाइट्रीन ना, दोनों जगह फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट। समझ आ गई बात ये ना, दोनों जगह पर नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन जाता है, क्लियर है? अब नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनेगा, यहां से ध्यान देना ना, यहां से क्या किया अपन ने, H2O को हटाया है ना, अभी वापस लिख दूंगा ना मैं, H2O को हटाया है, यहां पर क्या बना, दैट इज नाइट्रीन, है ना। समझने के लिए क्या बोलते हैं अपन, कि जब कभी भी किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट में से आसानी से क्या हो सकता हो, कोई गैसियस मॉलिक्यूल उड़ सकता हो, तो पहले उसको उड़ाते हैं, है ना, क्या कहलाता है ये वाला चेंज, फ्रेगमेंटेशन। काफी सारी बार इसी चैप्टर में पढ़ा अपन ने इसका एप्लीकेशन, तो यहां से नाइट्रोजन उड़ेगी तो इधर भी क्या हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में होमोलाइटिक फिशन, तो इस नाइट्रोजन पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन पर भी 2, आपस में क्या बन गए, 2 पाई बॉन्ड्स, यहां भी 2 पाई बॉन्ड्स, तो क्या बनकर उड़ गया, ट्वाइस ऑफ N2 बनकर उड़ गया। समझ आ गई बात ये ना, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहां से ट्वाइस ऑफ N2 ये बनकर उड़ जाता है, आया क्या समझ में, और दोनों कार्बन पर दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, क्या बन गया, दैट इज कार्बीन ना, जिस टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है गैसियस मॉलिक्यूल के उड़ने के पहले, उसी टाइप का दूसरा बनता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के न्यूट्रल इंटरमीडिएट, तो नाइट्रोजन के इवोल्यूशन से इस कार्बन पर भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और इस कार्बन पर भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स छूटे, आपस में क्या कर लिया इन्होंने, शेयरिंग करके पाई बॉन्ड बना लिया, तो इसमें फॉर्मेशन हो गया किसका, दिस इज ऑफ अल्काइन। समझ आ गई बात ये, इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, अल्काइन का। आगे बात समझ में अच्छे से, ये तो कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला हाइड्रोजीन के ऊपर, हाइड्रोजोन के ऊपर, यहां जब हमने क्या डाला था, तो हमने बोला यहां पर हमने HGO विथ हीटिंग डाला, तो कौन सी चीज हुई, HGO, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल था, क्या बना इससे, HG प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन ने यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, H2O निकाला, क्या बना दोनों जगह नाइट्रीन, नाइट्रीन में से क्या हुआ, नाइट्रोजन का फ्रेगमेंटेशन होकर N2 उड़ गई, इस कार्बन पर दोनों पर क्या छूटा, कार्बीन, दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, उन्होंने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड, तो उससे फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज ऑफ अल्काइन। समझ आ गई बात ये, तो इस तरीके से क्या देखा हमने, अल्काइन्स को बनाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। समझ आ गई बात ये, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स।